दोस्तों आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स फंडा के यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑस्कर अवार्ड्स के बारे में। आप सभी को पता है कि 92 ऑस्कर अवार्ड जो हैं ये अभी रिसेंटली दिए गए हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से एक्टर को बेस्ट एक्टर का या बेस्ट एक्ट्रेस का ये अवार्ड दिया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये सेशन होने वाला है करंट अफेयर्स के लिहाज से, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि कोई भी क्वेश्चन आपका मिस ना हो पाए। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये जो एडिशन है वो कौन सा है, 92nd एडिशन। अगर आपसे पूछा जाए कि जो 2020 में ऑस्कर अवार्ड दिए गए ये कौन से एडिशन के हैं, तो ये हैं 2020 के। यहाँ पर एक प्रश्न है आपका, बेस्ट पिक्चर के लिए ऑस्कर अवार्ड किसको दिया गया, तो जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म है इसके लिए जो दिया गया वो है पैरासाइट्स के लिए, ठीक है। पैरासाइट चूज एज अ बेस्ट पिक्चर, ठीक है, इसको हमने बेस्ट पिक्चर की कैटेगरी में देखा और यहाँ पर इसको ऑस्कर अवार्ड दिया गया। इसके साथ साथ में बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म का अवार्ड भी पैरासाइट ने जीता है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म अवार्ड ये किसको दिया गया, ये पैरासाइट को दिया गया। पैरासाइट जो है वो एक कोरियन मूवी है, ओके। पैरासाइट ने जीता ओरिजिनल स्क्रीन प्ले का ऑस्कर अवार्ड भी, तो ये भी आप नोट कर लें कि बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले ऑस्कर अवार्ड जो है ये किसको दिया गया, तो ये दिया गया है पैरासाइट मूवी के लिए, ठीक है। इसके डायरेक्टर का भी यहां पर नाम नोट कर लेते हैं, इनका नाम है बोंग जॉन हो, ठीक है, और प्रोड्यूस्ड बाय क्वाक्सिन, ठीक है, ये नाम यहां पर आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद का क्वेश्चन ये है बेसिकली कि रेने जेलवेगर, इन्होंने जीता है बेस्ट एक्ट्रेस का ऑस्कर अवार्ड। अगर आपसे पूछा जाए बेस्ट एक्ट्रेस ये ऑस्कर अवार्ड जो है किसको दिया गया, तो ये दिया गया है रेन जेलवेगर के लिए, ठीक है, ये आप यहां पर नोट कर सकते हैं। यहां पर कहा गया है कि 2020 ऑस्कर फॉर बेस्ट एक्टर, तो बेस्ट एक्टर का जो ऑस्कर अवार्ड है वो किसको दिया गया, ये दिया गया वॉकिन फिनिक्स को, ठीक है, जोकर मूवी के लिए। तो ये इनका नाम यहां पर आप नोट कर लें, वॉकिन फिनिक्स जोकर मूवी के लिए ये विनर है, ओके। इन्होंने बेस्ट एक्टर का ऑस्कर अवार्ड अपने नाम पर किया है। एक जगह आपको ये भी लिखा मिल जाएगा एक्टर इन लीडिंग रोल, ठीक है, एक्टर इन लीडिंग रोल और बेस्ट एक्टर, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना दोनों में। यहां पर कहा गया है कि वोंग जून हो ने जीता बेस्ट डायरेक्टिंग का ऑस्कर अवार्ड। आप सभी को बता दूं कि पैरासाइट मूवी इसके लिए बेस्ट मूवी का भी अवार्ड मिला है, साथ में जो इसके डायरेक्टर हैं इनको भी चूज किया गया है ऑस्कर अवार्ड के लिए। तो वोंग जून हो, इनका नाम है वोंग जून हो, इनको पैरासाइट मूवी के लिए जो है ऑस्कर अवार्ड जो है मिला है, ओके। नेक्स्ट यहां पर आप देख लें कि बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग्स का जो ऑस्कर है वो है आई एम गोना लव मी अगेन रॉकेट मैन, इन्होंने जीता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, यहां से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तो टॉप क्वेश्चंस हैं यहां पर, ठीक है, 2020 ऑस्कर फॉर बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग आई एम गोना लव मी अगेन रॉकेट मैन, ठीक है, ये विनर है। यहां पर आप देख लो कि बेस्ट ओरिजिनल स्कोर का खिताब जो है ये जोकर इन्होंने जीता है, ठीक है, ये नाम यहां पर नोट कर ले, हिंडल गुडनोडिटर, ठीक है। 2020 ऑस्कर फॉर बेस्ट फिल्म स्कोर, बेस्ट ओरिजिनल स्कोर ये किसको दिया गया है, जोकर मूवी के लिए, ठीक है, ये विनर आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट, ठीक है। आपसे कैटेगरी होगी ओरिजिनल स्कोर में ऑस्कर जो है वो कौन से पिक्चर के लिए दिया गया है, तो वहां पर आप चूज करेंगे जोकर, ओके। यहां पर है बेस्ट मेकअप और हेयर स्टाइल का जो ऑस्कर अवार्ड है वो बॉम्बशेल, ठीक है, इन्होंने जीता है, तो ये आप यहां पर नोट कर लें। 2020 ऑस्कर फॉर बेस्ट मेकअप एंड हेयर स्टाइलिंग, ठीक है, जो इसमें कास्टिंग है उनका नाम भी नोट कर लें, काजू हीरो, एन ए मोर्गन, ठीक है, विविन वेकर, ठीक है, ये सारे जो है बॉम्बशेल के हैं, ओके। यहां पर कहा गया कि बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स का जो ऑस्कर अवार्ड है वो किसने जीता है, 1917, ठीक है, इस फिल्म के नाम पर गया है। 2020 ऑस्कर फॉर बेस्ट विजुअल इफेक्ट, ठीक है, ये है 1917, ठीक है, ये आप यहां पर दोस्तों नोट कर ले, विजुअल इफेक्ट्स कैटेगरी में कौन किसको चूज किया गया है, 1917 को। यहां पर है बेस्ट फिल्म एडिटिंग का ऑस्कर अवार्ड, फोर्ड वर्सेस फरारी, ठीक है, फोर्ड वर्सेस फरारी बेस्ट फिल्म एडिटिंग का जो ऑस्कर अवार्ड है वो दिया गया है, ठीक है, तो ये भी आप यहां पर नोट कर ले, ठीक है। अगर कास्टिंग की बात करें तो ये है माइकल मैक्सकर और एंड्रयू बैकलेन, ठीक है, ये फोर्ड वर्सेस फरारी में है। यहां पर अगर आप देखो 2020 ऑस्कर फॉर बेस्ट सिनेमेटोग्राफी, ठीक है, बेस्ट सिनेमेटोग्राफी का ऑस्कर खिताब जो है वो किसको मिला है, 1917 रोजर डोंकिंस इन्होंने जीता है, ठीक है, तो ये आप नोट कर लें, बेस्ट 2020 ऑस्कर फॉर बेस्ट सिनेमेटोग्राफी ये है रोजर डोंकिंस, ठीक है, 1917 इस फिल्म के लिए। यहां पर है बेस्ट साउंड एडिटिंग का खिताब जो है ये किसने जीता है, ये फोर्ड वर्सेस फरारी में डोनाल्ड
सिल्वेस्टर इनके नाम पर आया है, ठीक है। तो ये पिक्चर का नाम भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी आप यहाँ पर नोट कर लें। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस इसका खिताब जो है ये जीता है लॉरा डर्न इन्होंने, ठीक है। 2020 ऑस्कर फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस इनका नाम है लॉरा डर्न, ठीक है। मैरिज स्टोरी विनर इसके लिए, ठीक है। यहां पर कहा गया है 2020 ऑस्कर फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर ये किसको मिला है, ब्रैड पिट के लिए, ठीक है। वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड, ठीक है। तो ये भी आप यहां पर नोट कर लें कि बेस्ट एक्टर सपोर्टिंग रोल का जो खिताब है वो ब्रैड पिट को मिला है, ओके। यहां पर नोट कर लें कि बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट के लिए किसको चुना गया, ये है 2020 ऑस्कर फॉर बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट, ये है लर्निंग टू स्केटबोर्ड इन अ वॉर जोन इफ यू आर अ गर्ल, ठीक है। ये विनर है, ये आप यहां पर नोट कर लें, ओके। 2020 ऑस्कर फॉर बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर अमेरिकन फैक्ट्री, ठीक है, इसके लिए चुना गया। अमेरिकन फैक्ट्री के बारे में मैं आपको बता दूं, बराक ओबामा और मिशेल ओबामा सेलिब्रेट देयर नेटफ्लिक्स फिल्म विनिंग एट द ऑस्कर्स, ठीक है। इसमें इनका भी किरदार है, ठीक है, बराक ओबामा और मिशेल ओबामा, ठीक है। ये जो है इसमें आप नोट इतना कर लें कि बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर जो है ये विजेता फिल्म, इसका नाम है अमेरिकन फैक्ट्री, ठीक है। ये नोट आप यहाँ पर कर लें। यहां पर है 2020 ऑस्कर फॉर बेस्ट लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म, ये मिला है किसको, द नेवर्स विंडो, ठीक है, ये विनर है। बेस्ट लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म की विजेता द नेवर्स विंडो, ठीक है, ये नोट कर लें। यहां पर है 2020 ऑस्कर फॉर बेस्ट एडॉप्टेड स्क्रीन प्ले, जो जो रेबिट, ठीक है, नाम यहां पर बहुत जरूरी है। ऑस्कर फॉर बेस्ट एडॉप्टेड स्क्रीन प्ले, ठीक है, तो ये विनर का नाम क्या है, जोजे रेबिट, ठीक है। 2020 ऑस्कर फॉर बेस्ट एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म, क्या नाम है, हेयर लव, ठीक है, ये विनर है। हेयर लव ने जीता बेस्ट एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म का खिताब। तो यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो में, तो आप इसके पॉइंट्स को एक पेज पर लिख लें और थोरली एक दो बार रीड करोगे आपको ये क्वेश्चन अपने आप में समझ में आ जाएंगे, ठीक है। 2020 ऑस्कर फॉर बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म, इसका नाम क्या है, टॉय स्टोरी 4, ठीक है। टॉय स्टोरी 4 ने जीता बेस्ट एनिमेटेड फिल्म का खिताब। अभी जो पीछे हमने डिस्कस किया है ये बेस्ट एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म है, और यहां पर क्या है, बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म, ठीक है। तो ये है टॉय स्टोरी 4, और जो पीछे भी डिस्कस किया ये हेयर लव, ठीक है। दो तीन पॉइंट्स यहां पर और हैं, एक है 2020 ऑस्कर फॉर बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन, तो ये क्या है नाम यहां पर, यह है जैकलिन डोरेन, इनको मिला है, ठीक है, लिटिल वुमेन, इसके लिए। 2020 ऑस्कर फॉर बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइन, वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड प्रोडक्शन डिजाइन बारबरा लिंग, ठीक है। तो वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड के बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइन के लिए इनको ऑस्कर मिला है, ओके। कुछ चीज़ें यहाँ पर हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, दो तीन पॉइंट आप यहाँ पर देख सकते हैं कि भारत में जो पहला ऑस्कर है ये भानु अथैया इन्होंने जीता था, ठीक है। अगर हम बात करें फर्स्ट ऑस्कर की, तो ये जीता था भानु अथैया ने, ठीक है। 1983 में आई फिल्म गांधी के लिए बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन कैटेगरी में ऑस्कर अवार्ड मिला था, ठीक है। भानु रिसीव द ऑस्कर अवार्ड इन द बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन कैटेगरी फॉर द 1983 फिल्म गांधी, ओके। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 2009 में AR रहमान और गुलजार ने जीता था फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर के गाने जय हो के लिए, जो कि लिरिक्स की अगर हम बात करें तो गुलजार और रहमान फॉर द म्यूजिक, ठीक है, AR रहमान फॉर द म्यूजिक, जो जय हो गाना था इसके लिए बात कर रहे हैं। पिक्चर का नाम था स्लमडॉग मिलियनेयर, ठीक है। तो इसको जो है रिसेंट अगर आप बात करें 2009 में ये ऑस्कर भारत में आया था, ठीक है। तो ये दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है जो आप सभी के लिए पता होना चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से जो क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं, कोई भी बैंकिंग एग्जाम्स हो, चाहे वो SSC का एग्जाम हो, स्टेट का एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, वहाँ के लिए ये टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट है। ऑस्कर से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है, उनमें एक दो तीन चीज़ें मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा, उसको आप एक बार फिर से सेपरेटली उसके ऊपर फोकस करके आप नोट कर लें, ठीक है। जैसे एक हो जाएगा आपका बेस्ट पिक्चर, ठीक है, एक बार हम यहाँ पर थोड़ा समरी भी ले लेते हैं। बेस्ट पिक्चर जैसा कि मैंने आपको बताया पैरासाइट, ठीक है, पैरासाइट के लिए बेस्ट जो है पिक्चर इसका मिला है। अगर आपसे बात की जाए बेस्ट एक्ट्रेस, ठीक है, बेस्ट एक्ट्रेस की अगर बात करें तो ये है रेनल जेलवेगर, ठीक है, और बेस्ट एक्टर की बात की जाए तो ये है फोनिक्स, ठीक है, जोकर के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप इनको देख लें, सपोर्टिंग एक्ट्रेस हो गया, सपोर्टर एक्टर हो गया, एनिमेटेड फीचर, जैसे अगर आपसे बात की जाए कि बेस्ट एनिमेटेड फीचर
इसमें कौन से फिल्म को चूज किया गया, तो यह टॉय स्टोरी 4। ठीक है, ये जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ इसको आप नोट कर लें। और बेस्ट एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म ये किसको चूज किया गया, उसका नाम है हेयर लव। ठीक है, तो ये जो जो चीज़ें मैंने यहाँ पर बताई हैं ये तो पक्के पक्के क्वेश्चन हैं जो कि आपके पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब जैसे अगर एक हो गया बेस्ट ओरिजिनल स्कोर, बेस्ट ओरिजिनल स्कोर तो ये जोकर मूवी के लिए। ठीक है, और बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग जो कि आपको मैंने बताया आई एम गोना लव मी अगेन रॉकेट मैन के लिए। तो ये थोड़ी सी समरी थी, इससे आप एक दो बार में याद हो जाएगा, ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, तो आप इसको एक बार देख लें और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, यहाँ पर भी मैं कुछ स्क्रीनशॉट डाल दूंगा ताकि आप यहाँ से पीडीएफ वगैरह और भी चीज़ें डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम पर सर्च करना करंट अफेयर्स फंडा, वहाँ से आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ।